लग रहा है रवि, मैं हिम्मत हार रही हूँ। पुनीत, ये हिम्मत हारने का वक्त नहीं है। तुम्हें याद है ना हमने क्या डिसाइड किया था? मुझे याद है, हम इकट्ठे होके लड़ेंगे तो उसको हरा पाएंगे। तो बस फिर? पर रम्मी वो बहुत तेज है, हम एक कदम आगे चलते हैं उससे, वो हमसे दो कदम आगे चलती है। आप बताते हैं उनको। चल शाबाश, खड़ी हो जा, जा शाबाश। रमनीक, आपने मुझे वहां बोलने से रोक क्यों दिया? मैं अच्छी सी क्लास लगाती उसकी। तुमने देखा नहीं वो कैसे अनन्या के पास भाग कर आई थी? पर रमनीक, उसने जान के फर्श गीला छोड़ा होगा ताकि अनन्या वहां फिसले। तुम्हें क्या लगता है तुम उस पर इल्जाम लगाओगी और वो मान जाएगी? इस वक्त एक एक गलती हमारी भारी पड़ सकती है। तो हमें क्या करना होगा रमनीक? हमें उसे रंगे हाथों पकड़ना होगा। ये ठीक कहा आपने, ये अच्छा तरीका रहेगा उससे निपटने के लिए। अनन्या, शनाया, देखो मैं क्या लाया हूं आपके लिए। क्या लाए हो पापा? वाओ, सी दिस, आपके लिए नेकलेस। वाओ पापा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। वाओ, अभी मैं इनको यूज करके आती हूँ और फिर देखना मेरा चेहरा कितना ब्राइट और शाइन करेगा। ओके, ये लो। आपको पता है इंडियन ब्रांड है और इसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं है, नो पैराबेंस, नो सल्फेट, एंड आई लव इट। लेट्स गेट स्टार्टेड। वाओ का विटामिन सी फेस वॉश, इसके अंदर विटामिन सी के सारे बेनिफिट्स हैं एंड इट कम्स विद अ स्मॉल ब्रश, वेरी सॉफ्ट ब्रिसल्स जिसको हम सिर्फ पंप आउट करेंगे और ये सारा बाहर आ जाएगा। बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, ये हमारी पिगमेंटेशन को भी कम करता है। एक डल चेहरे को एकदम से ब्राइट करना हो सो दिस इज द सॉल्यूशन। तो देखा आपने फर्क, अब यूज करते हैं वाओ का विटामिन सी क्ले फेस मास्क। ये हमारी पिगमेंटेशन को कम करता है, हमारे कलर को लाइट करता है, डल स्किन को एकदम रेडिएंट बनाने के लिए किसी पार्टी में जाना है इसको फटाफट यूज करो एंड यू आर गुड टू गो। जितनी भी फाइन लाइंस होती है हमारी स्किन पे, हमारी फेस के ऊपर, ये उसको भी कम करता है। इनके हर प्रोडक्ट के ऊपर एक QR कोड होता है, ऐसा आप ये चेक कर सकते हैं कि ये फेक प्रोडक्ट है कि नहीं। इनके एक एप्लीकेशन भी है जिसके ऊपर आप जाके बहुत सारे डिस्काउंट्स अवेल कर सकते हैं और प्रोडक्ट खरीदने पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स भी मिलते हैं जिनको आप अपने नेक्स्ट परचेज के ऊपर रिडीम भी कर सकते हैं। तो मैं इन सारे प्रोडक्ट्स का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पर छोड़ूंगी, जरूर बाय कीजिएगा। देखा आपने मैजिक। अब लास्ट चीज है वाओ का विटामिन सी सिरप। इसको थोड़ा सा अपने हाथ पे लें और ये बेस्ट काम करता है जब आप इसको पूरी रात रखते हैं, सोने के टाइम लगा के सो जाएं, जैसे मैं करने वाली हूँ। नाउ आई एम गुड टू गो। अब मैं जा रही हूँ सोने। बाय बाय। मुझे लगता है मछली जाल में फंसने वाली है। मतलब? मतलब ये कि सुष्मिता के सामने मैंने जानबूझकर बच्चों को ब्रेसलेट्स दिए हैं और अब मैंने देखा है कि सुष्मिता छुपकर देख रही है कि बच्चे ब्रेसलेट्स कहाँ रख रहे हैं। अच्छा, तो मतलब सुष्मिता अब ब्रेसलेट चुराने की कोशिश करेगी और हम उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। ये हुई ना बात। अरे ये तो बहुत स्वाद है।
बस महंगी वाली माला मिल जाए तो मजा आ जाएगा। अब ये जैसे ही माला उठाएगी मैं इसको वहीं जाके पकड़ लूंगी। इसकी कहानी तो आज ही खत्म करते हैं। ये कितनी सुंदर माला है, अनन्या से नया में कितनी अच्छी लगेगी ये। रमेश, सुष्मिता हमारे कोई भी चाल कामयाब नहीं होने दे रही। तुमने जरूर कोई आवाज कर दी होगी जिससे उसे पता चल गया होगा कि तुम दरवाजे पे खड़ी हो। नहीं रमीक, मैंने कोई आवाज नहीं करी। अगली बार मैं जाऊंगा और देखना उसका खेल वहीं खत्म कर दूंगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। हाँ मुझे भी, बस प्रे करो कि मामा पापा हमें कहीं छोड़ के ना चले जाए। हाँ नहीं तो अकेले देख के हमें सुष्मिता दीदी फिर से परेशान करेगी। चल मम्मा पापा से बात करते हैं। ठीक है। मम्मा पापा, हमें आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। एक सेकंड। हेलो, क्या, कब? अच्छा ठीक है। क्या हुआ? रमनीक, पूनम का फोन था, वो कह रही है उसके बेटे को सिर पे बहुत ज्यादा चोट आई है। हे भगवान, वो इतनी घबराई हुई है, उसके हस्बैंड भी शहर में नहीं है। रमनीक, उसको हमारी जरूरत है। चलो हमें भी जाना होगा। हाँ क्या हम भी आपके साथ जा सकते हैं? अरे नहीं बेटा, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, वहाँ पे आपका कोई काम नहीं है। हम बहुत जल्द वापस आ जाएंगे, आप अपने कमरे में टीवी देखो जब तक। आप मुझसे कौन बचाएगा? नहीं दीदी, 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 नहीं दीदी। मजा आ गया। क्यों लाया है? दीदी मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ दीदी, भूख तो मुझे भी लग रही है। अब क्या करें, सुष्मिता दीदी तो हमें खाना बना के देगी नहीं। उन्हें तो सोने ही दो, अगर वो उठ गई ना तो हमें फिर से परेशान करेगी। कुछ खाने को नहीं मिल रहा। दीदी थोड़ा जल्दी करो, नहीं सुष्मिता दीदी उठ ना जाए। देखो, अरे वाह दूध, ये सियान को दे दे। ठीक है, ये सियान को दे देते हैं, हम कुछ और ढूंढ लेते हैं। और सियान के दूध पीलो, मैं आपके लिए डाल देती हूँ। ए इधर दे, ये दूध मैं पीऊंगी। दीदी ये दूध सियान को पीने दो, उसे बहुत भूख लगी है। हाँ दीदी, आप कुछ और खा लो। मैं और कुछ खा लूं? तुम कुछ और खा लो, ये दूध मैं पीऊंगी। जाओ यहाँ से। अब क्या करें? दीदी बहुत भूख लग रही है। शुक्र है हम लोग टाइम पे पहुंच गए और वीर को हॉस्पिटल ले गए। उसको बेचारे को तो बहुत चोट आई थी। शुक्र है अब सब ठीक है। बच्चे कहाँ हैं? बच्चों, अनन्या, शनाया, सियान, हम आ गए बेटा।
कोई आवाज ही नहीं है। बच्चों क्या हुआ, क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ नाना शनाया सियान, कुछ तो बोलो। मामा आप हमें छोड़ के मत जाया करो। क्या हुआ? या तो सुष्मिता दीदी को इस घर से निकाल दो। बेटा हुआ क्या, कुछ तो बताओ। आपके पीछे से सुष्मिता दीदी हमें बहुत तंग करती है और हमें डराती भी है। मम्मा वो आंजना सियान का सारा दूध भी पी गई। क्या? आप घबराओ नहीं बेटा, हम आ गए, आ जाओ, उठो। आओ बेटा, उठो, उठो मेरा बेटा। मम्मी सुष्मिता को तो बुला लेने से हालात और भी ज्यादा खराब हो गए हैं। बच्चे तो और ज्यादा डरे डरे रहते हैं और सुष्मिता का बर्ताव दिन बा दिन और बुरा होता जा रहा है। लवलीन की बातें सुनकर तो मुझे लगा था एक बार सुष्मिता घर वापस आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था सुष्मिता का साया है इस घर पे और जब तक वो साया नहीं जाएगा कुछ ठीक नहीं होने वाला। क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। लवलीन को फोन करता हूँ, शायद वो ही कुछ मदद करे मेरी। हेलो लवलीन। हाँ रम्मी, कैसे हो, कैसा चल रहा है सब कुछ? कुछ ठीक नहीं चल रहा है। क्यों, क्या हुआ? सुष्मिता हमारी सारी चालें नाकामयाब कर देती है। वो इस खेल में हमसे दो कदम आगे चल रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करें। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था ये खेल इतना आसान नहीं होगा। सुष्मिता तुमसे दो कदम आगे चल रही है क्योंकि तुम गलतियों पे गलतियां करते जा रहे हो। अगर तुम गलतियों का स्कोप ही खत्म कर दो तो सुष्मिता हार जाएगी। तुम्हें इसके लिए जाल बिछाना होगा। अब सुनो मेरी बात। थैंक यू लवलीन, ये बहुत अच्छा आइडिया दिया है तुमने। मुझे लगता है ये 100% काम करेगा। थैंक यू सो मच। अब सुष्मिता को हमसे कोई नहीं बचा सकता। ये क्या, तुम फिर शुरू हो गई? अब इसी का ही सहारा है, ये साइकेट्रिस्ट से कुछ नहीं होगा। ये झाड़ा सुष्मिता पर करना होगा, उसके अंदर का प्रकोप हटाना होगा। आज मैं उसको नहीं छोड़ूंगी। आलतू जलालतू, आई भला कोटालतू, आलतू जलालतू, आई भला कोटालतू, आई भला कोटालतू।